यस हेलो एवरीवन क्लास आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक वी विल अगेन डू आर क्लास स्टार्ट्स आर क्लासेस क्लास सो आई हैव रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू हैव डन अ लॉट ऑफ मस्ती सो नाउ वी विल गो विद आर चैप्टर्स इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड्स ज्योमेट्री यूक्लिड्स फाइव पोस्टुलेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एक्सियम एक्सियम वगैरह जो भी था वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो क्लास नाउ टूडे वी विल डिस्कस अबाउट पोस्टुलेट्स है ना पोस्टुलेट्स यू विल नो अबाउट पोस्टुलेट वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन द पोस्टुलेट एंड एक्सियम सो क्लास इफ यू डोंट नो जस्ट रिव्यू योर वीडियो एंड अगेन वॉच इट क्लास इट इज सेइंग दैट अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट द मीनिंग ऑफ दिस पॉस्टुलेट इज दैट कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी लाइन ड्रॉ किया जा सकता है क्लास यू विल नो फ्रॉम वन पॉइंट वी कैन ड्रॉ मेनी टाइप्स ऑफ अ लाइन बट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्लास ओनली वी विल ड्रॉन वन यूनिक लाइन वन यूनिक लाइन है ना केबल और केबल वन लाइन ड्रॉ करेंगे वन लाइन है ना एक और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिक लाइन क्लास एक और केबल एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है क्लास नाउ वी विल गो विथ नेक्स्ट नेक्स्ट पोस्टुलेट यस क्लास नाउ नेक्स्ट पॉस्टुलेट इज सेइंग दैट क्लास अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी ड्रॉन कैन बी प्रोड्यूस इनफिनाइटली एक टर्मिनेटेड लाइन एक सपोज एक लाइन यहां से यहां तक हमने ड्रॉ करा है ना दैट कैन बी प्रोड्यूस इनफिनाइटली दोनों साइड इनफिनाइटली जो होता है ड्रॉ कर सकते हैं वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइटली टर्मिनेटेड लाइन किसी भी तरह का लाइन हो सकता है ये इस तरह का भी लाइन है सपोज दिस टाइप्स लाइन यू कैन दिस ये जिसको हम लोग कहा जाता है ना अधूरा छूटा हुआ या पार्ट्स पार्ट्स ऑफ द लाइन टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनाइटली कहीं से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं दैट इज द इनफिनाइटली बोथ साइड कहता है क्लास नेक्स्ट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एनी रेडियस ऑब्वियसली एक सर्कल को आप किसी भी रेडियस से या किसी भी सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं चाहे ये सेंटर ऐसा हो यहां से भी या ये 2 cm है रेडियस यहां से भी रेडियस किसी भी तरह का इतना छोटा भी हो सकता है रेडियस है ना जो भी हो अगर छोटा है तो छोटा है ना सेंटर है तो किसी भी सेंटर और बड़ा होगा तो बड़ा भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं क्लास यानी कि देयर इज नथिंग लिमिटेशंस टू ड्रॉ सर्कल्स विद द रेडियस ऐसा नहीं है कि 3 मीटर का हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं 1.5 नहीं है ना जितना मन करे 1.5 1.42 1.8 चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे रेशनल नंबर में हो है ना एनी काइंड्स ऑफ अ मेजरमेंट यू कैन टेक टू ड्रॉ द सर्कल क्लास नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट पोस्टुलेट यस क्लास नाउ नाउ नेक्स्ट पॉस्टुलेट इज दैट ऑल राइट एंगल्स
आर इक्वल टू वन अनदर और राइट एंगल. राइट एंगल यू वेल नो अबाउट दिस कि राइट एंगल कितने पे राइट एंगल से होते हैं क्लास. सीधा ये कहीं पे भी राइट एंगल बना होगा है ना, चाहे वो अर्थ पे बना हो या स्काई में बना हो है ना, जमीन पे बनी हो या आसमान में, कहीं भी राइट एंगल बनेगा क्लास. दैट विल बी द इक्वल कहीं से भी, चाहे आप घर बना रहे हो है ना. राइट एंगल्स भी, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट एंगल देन राइट एंगल विल बी सेम एवरीवेयर. एवरीवेयर जहां भी राइट एंगल बनेगा, दैट इज कहता है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. और राइट एंगल 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री ही होगा है ना, कहीं पे 89 और कहीं पे नहीं, जहां भी बने है ना. वेयर एवर वेन एवर इफ यू आर ड्रॉइंग राइट एंगल क्लास अदरवाइज अर्थ ऑन अदरवाइज ऑन द स्काई एवरी वेयर 90 डिग्री इज सेम है ना, सारी जगह जो होता है 90 डिग्री आपका सेम ही होगा, इक्वल ही होगा क्लास. नाउ नेक्स्ट पोस्टुलेट इज सेइंग दैट इफ अ स्ट्रेट लाइन, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द ऑन टू अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू अ स्ट्रेट लाइन सॉरी ये दोबारा हो गया. इफ अ स्ट्रेट लाइन्स फॉलिंग ऑन द टू यस क्लास नाउ इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू अ स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स देन द टू अ स्ट्रेट लाइन्स देन टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इनफिनाइटली दोनों को इनफिनाइटली प्रोड्यूस किया जाता है मिट ऑन द दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू स्ट्रेट लाइन्स. अब आपको पहले तो चार ये तो बहुत ही इजी लगा होगा क्लास है ना, इट इज अ फिफ्थ पोस्टुलेट इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स With respect to the another postulate class. So, देखो इसमें थोड़ा वेरिफिकेशन हमें चाहिए है ना, ऐसे नहीं पता चलेगा. देखो किसी भी तरह का टू स्ट्रेट लाइन्स एनी काइंड कट कर रहा है ना, ये ऐसा नहीं और भी ऐसा किसी भी तरह का कर रहा है, नॉट इक्वली या फिर पैरेलल इस तरह का नहीं है, है ना. इट्स नॉट अ पैरेलल और एनी किसी भी तरह कहता है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दिस वन इज द L1 स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स टेकन टुगेदर लेस देन, दोनों अगर सेम साइड में बना रहे हैं है ना, टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, दो राइट एंगल से कम एंगल, दो राइट एंगल से लेस देन छोटा छोटा एंगल बना रहा है राइट एंगल से कम. क्लास सेम साइड्स इट्स टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इनफिनाइटली मीट, अगर इनफिनाइटली इन दोनों लाइन को प्रोड्यूस किया जाए और कहीं मीट कर जाता है ना, मीट कर जाता है क्लास, That sides on which the sum of the angle is less than two right angle. किसी भी तरह का लाइन आप ड्रॉ कीजिए है ना, ऐसे किया और ऐसे है ना, किसी तरह एनी काइंड ऑफ लाइन टू स्ट्रेट लाइन, सपोज ये L2 और ये L3 तो इसके साइड्स में अगर less than 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है then sum of सपोज ये वन ये टू एंगल है तो एंगल वन प्लस एंगल टू है ना क्या होगा लेस देन होगा 180 से है ना, इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी लेस देन. अब इसका दूसरा मीनिंग समझो क्लास कि अगर
लेस देन एंगल वन और एंगल टू दोनों का सम 180 डिग्री से कम होगा, तब क्या होगा, वो ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं इन्फिनाइट पे, कहीं ना कहीं इन्फिनाइट पे जरूर मीट करेगा क्लास। सो यू कैन से दैट अगर ये लेस देन है ना, इन दोनों सम ऑफ टू एंगल ये है, इसको ले लेता हूं P और Q है ना, तो एंगल P और एंगल Q दैट विल बी लेस देन 180 डिग्री। आपसे बोल दिया जाए कि इन दोनों एंगल का सम जो है लेस देन 180 है, व्हाट इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो? तो योर रिप्लाई इज दैट क्लास कि दीज टू लाइंस आर मीट ऑन इनफिनाइट पॉइंट, कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे को से मीट करेंगे ही करेंगे, मुलाकात होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों लाइन एंगल का जो सम होगा वो लेस देन 180 होगा क्लास। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, फिर से समझिए कि दो लाइन ड्रॉ किया हो है ना इस तरीके से, और उस पर कोई भी तीसरा लाइन कट कर रहा है ना, या एक लाइन कट कर रही है दो लाइन को और 90 डिग्री से कम एंगल बना रही है, लेस देन 90 डिग्री कहता है ना। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल करता है कहीं से भी किसी भी तरीके से, एंड मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यानी ये साइड है तो ये साइड, ये साइड है तो ये साइड, अगर दोनों से कम एंगल बना रहा है क्लास, इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इनफिनाइटली, अगर देखो क्या हो रहा है, लेस देन 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है तब क्या होगा, इफ प्रोड्यूस इनफिनाइटली, किसको प्रोड्यूस किसको करेंगे इनफिनाइटली, दीज टू स्ट्रेट लाइन, ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन है इन दोनों को अगर इनफिनाइटली वी विल प्रोड्यूस इट, देन डेफिनेटली मीट द साइड्स ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। अगर ये दोनों मीट कर रहा है तो लेस देन 180 होगा, और अगर है तो ये दोनों मीट करेगा ही करेगा, ये दोनों बात है क्लास। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने में, बट इसको ध्यान से जब आप मेरी बातों को सुनेंगे है ना, डेफिनेटली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि देखो सेम साइड का एंगल कितना, अगर देखो सिंपल सी बात मुझे करनी है कि ये एंगल अगर 90 डिग्री से कम है, ये एंगल 90 डिग्री से कम है, यानी दोनों का सम 90 डिग्री से ऑब्वियसली कम होगा क्लास, है ना, 90 डिग्री दोनों 90 से कम है ना, तो दोनों का सम 180 से कम होगा, क्योंकि 90 होगा, एक 90 से ऊपर जाएगा तभी तो 180 होगा है ना, लेकिन दोनों एंगल, इफ बोथ एंगल इज लेस देन 90 डिग्री है ना, दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री से, यानी पी इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, क्यू इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, तो दोनों का सम जब हम लोग क्या करेंगे, लेस देन 180 डिग्री, इसका एंगल वन इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, एंगल टू इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री से कम है, तो सम दोनों का क्या होगा क्लास, ऑब्वियसली कम आएगा 180 से, और इफ देयर सम इज लेस देन 180, तो ये दोनों जो लाइन जो आपको दिख रहा है ना, ये दोनों जो लाइन ये कहीं ना कहीं इनफिनाइट पे मीट करेगा क्लास, दैट इज द होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। हम लोग अब एक्सरसाइज भी इस पे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, छोटा सा एक्सरसाइज है। यस क्लास, नाउ बिफोर सॉल्विंग द चैप्टर्स है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं क्लास, आई थिंक दैट वी कैन डिस्कस इट।
तथा पोस्टुलेट, अब नाउ अडे, अब इन दिनों पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स ये दोनों जो है ना आर टर्म और यूज है ना इंटरचेंजेबली एक दूसरे के जगह ये यूज हो रहे हैं आजकल है ना एंड इन द सेम सेंस और एक ही सेंस में हो रहे हैं, इसलिए कभी भी घबराइएगा नहीं, कभी पोस्टुलेट की जगह एक्समो एक्सियम के जगह पोस्टुलेट का यूज हो रहा है ना। एंड अ सिस्टम ऑफ एक्सियम इज कॉल्ड कंसिडेंट, इसको हम लोग कंसिडेंट भी कहते हैं, दूसरा नाम जो होता है एक्सियम का ये है। द स्टेटमेंट्स दैट वेयर प्रूव्ड आर कॉल्ड प्रोपोजिशंस और थियोरम, इसको जो स्टेटमेंट्स कुछ भी स्टेटमेंट्स इफ यू हैव गिवेन है ना, कोई भी स्टेटमेंट आपके पास आता है और उसको प्रूफ देने के लिए किसी न किसी पोस्टुलेट या एक्सियम का हेल्प जब आप लेते हो है ना, तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोपोजिशंस और थियोरम, या तो प्रोपोजिशंस बोलते हैं या प्लस थियोरम बोलते हैं। सो यू विल ऑलवेज हेयर इट। Euclid deduced 465 propositions and a theorem, logical chain. इस logical chain से कम 465 theorem उन्होंने prove करा है ना अपने using axiom, postulate, definitions, theorems है ना, इन सब के सारे करीब 465 हमें सारे नहीं पढ़ने, don't we फियर है ना, हमें सारे नहीं पढ़ने, कुछ जो होता है उससे निकाल निकाल करके दिया गया है, कुछ नाइन्थ में पढ़ना है, कुछ टेंथ में पढ़ना है क्लास। सो यू विल ऑलवेज हेयर इट है ना, आप अपना ध्यान रखें कि हम लोग जो होता है कुछ ही पढ़ना है ना। अब हम लोग नाउ वी विल सॉल्व 5.1 चैप्टर।